वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अकाउंटिंग के। पिछली वीडियो में थोड़ी टेक्निकल डिस्टरबेंस थी, शायद वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी या फिर माइक की प्रॉब्लम थी, बट नो नीड टू वरी। आज हो सकता है कि आज वो प्रॉब्लम ना आ रही हो आपको। दोस्तों, आपके ना कई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कई बार कि सर ये MCQs आप पढ़ाते हो ये हमें दे दो, हमें भी चाहिए। और मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके ये पूरी की पूरी MCQ की सीरीज़ चालू करी है और ये MCQ आप डाउनलोड कर सकते हो पढ़ने के लिए मेरी ऐप में। नितिन गोयल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो आप प्ले स्टोर पर, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इसको आप 8 महीने या 1 साल के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ चेक करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अकाउंटिंग के ऊपर, जनरल अकाउंटिंग या EPFO के लिए। तो प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि काम करूँगा तो आप लोग उसके अंदर सपोर्ट करते हो। ऑल राइट, पढ़ाने का काम मेरा है लेकिन मैं बुक नहीं बेचता, लेकिन वहाँ पर आपको ख़रीदना है तो वहाँ पर आप ले सकते हो, ताकि आपके पास एक रेडीमेड ये पूरा का पूरा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जब आप दोबारा पढ़ना चाहो। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने मेरी एक वीडियो जरूर देखी होगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, नहीं पढ़ी हो तो प्लीज़ जाके उसको जरूर पढ़ना ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। बात करते हैं पहला MCQ। मैंने सारे के सारे आंसर जैसे यहाँ पे बोल्ड कर रखे हैं, वैसे अपने ऐप में जो आप बुक डाउनलोड करेंगे उसमें भी सबके सब बोल्ड हैं। तो नो नीड टू थिंक कि मुझे आंसर नहीं आ रहा, टीचर अवेलेबल नहीं है तो क्या करें। आपके पास उसका आंसर होगा, कुछ एक रह गए होंगे तो वो आप बाद में डिस्कस कर सकते हो। अ बिजनेस फर्म इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट बता रहा है कि बिजनेस और उसका फर्म दोनों अलग होते हैं। इट इज़ द एजम्पशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ बिजनेस एंटिटी लिखा है, यही इसका आंसर है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी हो सकता है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो आपको याद होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इसमें सब क्लियर होंगे, इसलिए मैं एक ही बार में चारों नहीं समझा रहा। एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरह की होती है, प्रॉफिट मेकिंग भी होती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी होती हैं, पार्टनरशिप भी होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी होती हैं। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? ये सबके लिए एप्लीकेबल है। देखो, आपने बताया था ना पिछली बार, ये दो नाम एक जैसे हैं, अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी, एक ही बात है। तो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे सोसाइटीज़ हो, चाहे कॉरपोरेशंस हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट्स इट इज अज्यूम्ड दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो, मैंने आपको ना पढ़ाते टाइम समझाया था कि कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये सोचता है कि मेरी जिंदगी के बाद तक ये चलता रहे। कोई ये नहीं कहेगा कि 5 साल तक मैं रहूँगा तो बिजनेस चलाना, उसके बाद आग लगा देना, मेरे बच्चे को मत देना आग लगा देना, ऐसा कोई नहीं बोलता। हम ये अजम्पशन करते हैं कि हम बिजनेस को चलाएंगे फॉर एवर एंड एवर, शो मस्ट गो ऑन चाहे हम रहें या ना रहें। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? ये कॉन्सेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एंटिटी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंटिटी नहीं हो सकता, गोइंग कंसर्न यस। मनी मेजरमेंट में सिर्फ मनी की बात होती है, अकाउंटिंग पीरियड में टाइम फ्रेम की बात होती है। तो इसका आंसर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नंबर फोर्थ, डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट विल बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ये याद रखना लॉन्गर पीरियड, एंड हुज बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ से अप टू 1 ईयर इज मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंडिचर याद रखना, एक्सपेंडिचर होता है जैसे हमने कोई फिक्स एसेट खरीदी, जैसे मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा, तो डेफिनेटली आप जब चीज़ें खरीदते हो ना तो कभी भी शॉर्टर पीरियड के लिए नहीं खरीदते, और इस एजम्पशन से खरीदते हो कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, इसलिए मैं एक ऐसी एसेट खरीद रहा हूँ जो कि खरीद के अपने पास हमेशा के लिए रहेगी। मेरे घर में जो फर्नीचर है वो टेबल मेरे ख्याल 6 साल 7 साल से पुरानी है, आपके घर में भी होगा, क्यों है? अपने किराए पर क्यों लेके नहीं आए? क्योंकि आपको पता है मुझे उस घर में हमेशा रहना है, लॉन्ग टर्म तक रहना है, तो इसलिए आप फिक्स एसेट को परचेज करते हो। एंड यू इंकर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस नहीं एक्सपेंडिचर। तो किस कॉन्सेप्ट में आएगा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अगेन। अ फर्म एक्सपेक्टेड नॉट टू कर्टेल इट्स प्रेजेंट स्केल एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट एट लीस्ट एट द एग्जिस्टिंग लेवल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। हमने कहा जो आज है उसको हम बंद नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। देखो, एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में कितनी सारी बातें बता रहा है आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग एंगल से पढ़ते हो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ लेते हो।
तो इसका आंसर भी क्या है, क्योंकि आप छोटी बात नहीं कर रहे, आज की बात नहीं कर रहे, आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? अगेन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कब होता है? जब हम बात करते हैं कि हम सब ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटरी फ्रेमवर्क में चेक करेंगे। इट इज अज्यूम दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। आपकी मम्मी ने आपको बचपन में थप्पड़ जरूर मारा होगा एक, है ना? मुझे तो बहुत पढ़ते थे भाई, लेकिन कभी बताया कि आज ये 5 रुपये वाला पढ़ा या 10 रुपये का पढ़ा या 20 रुपये का पढ़ा? नहीं ना। इसका मतलब आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। हमारे मम्मी पापा ने हमें प्यार भी बहुत दिया है, आई लव यू बेटा बहुत बार बोला, आई लव यू बच्चे बहुत बार बोला है, तो मेरी जान है, तो मेरी पहचान है, तो मेरा चांद है, तो मेरा लाल हरा पीला नीला सब कुछ है, लेकिन क्या उसको बता सकते हो कितने रुपये का बोला? नहीं। मतलब इमोशनली चीज़ों को आप उसको साथ नहीं ले सकते। तो दिस मॉनिटरी टर्म्स कॉन्सेप्ट कम्स इन द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस प्रिंसिप इस MCQ को करने के साथ साथ अगर आपको डाउट हो रहे हैं तो मेरी वीडियो जरूर चेक करना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। ऊपर लिख दो सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नितिन गोयल एंड यू विल गेट योर वीडियो। एक ब्लैक कलर की टी शर्ट में खड़ा होऊंगा मैं, ठीक है? एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस एंटिटी इज डिवाइडेड इंटू शॉर्टर टाइम इंटरवल्स से 1 ईयर। अब देखो जहाँ भी ये टाइम इंटरवल की बात करता है, इसका मतलब एक चीज़ दिमाग में क्लैरिटी लाना कि हम अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, कि 12 महीने की बात कर रहे हैं। जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, अप्रैल से मार्च भी हो सकता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डुअल एस्पेक्ट नहीं हो सकता, गोइंग कंसर्न नहीं हो सकता, मनी मेजरमेंट हम नहीं है, कॉस्ट प्रिंसिपल की बात नहीं, क्योंकि ये टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम की बात जब भी होगी दैट विल बी अबाउट, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा इसको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है गलती से, यहाँ पे है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड, सो इट हैज़ टू बी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसको आप प्लीज़ अपनी जो बुक्स आप लेंगे तो उसमें भी आप दिमाग में रखिएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, इसीलिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ ताकि जो गलतियाँ वहाँ लिखने में छोटी मोटी हो जाती हैं कभी कभी, वो क्लैरिटी हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इज नथिंग लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो डोमेन है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है? जनरल रूल्स दैट आर यूज इन गाइडिंग अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस आर कॉल्ड। जनरल रूल कौन से होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरल गैप GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस या प्रिंसिपल्स। तो बेसिक अकाउंटिंग नहीं होता, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंस प्रिंसिपल नहीं होता, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं होता, इसका आंसर होता है जनरली, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, जनरल रूल्स जो पूरी दुनिया में चलते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट्स। अब देखो किसी भी ट्रांजेक्शन के 2 आस्पेक्ट्स होते हैं। डाउट हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के देखो, नहीं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वीडियो देख लो पूरी 20-25 मिनट की, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर MCQ आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएंगे। हर ट्रांजेक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट पे और एक क्रेडिट पे। इसको क्या बोलेंगे, डुअल इफेक्ट या डुअल आस्पेक्ट। सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, उस तरह से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के 2 पहलू डेबिट और क्रेडिट होते हैं। तो कहते हैं एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 आस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। नंबर आंसर इज डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल, आंसर इज सी। कैश अक्रूवल नहीं हो सकता, अक्रूवल होता है जब उधारी का काम होता है। रेवेन्यू अक्रूवल नहीं हो सकता जब उधारी वापस मिलनी हो। डबल एंट्री नहीं हो सकता, बुक कीपिंग नहीं कर रहे हैं हम, डुअल आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आंसर इज सी। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, दिस इज एसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। डुअल मटेरियलिटी, टाइमलीनेस, कंसिस्टेंसी, इसका आंसर इसमें नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लिंक हो सकता है कि अगले पेज पे है। इसके 5 ऑप्शंस हैं A, B, C, D और E। कंजर्वेटिज्म, इसका आंसर है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी वो वीडियो जरूर देखना, मैंने इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसका लिंक दिया होगा इस वीडियो में, आप प्लीज़ चेक करना। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कभी भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो अपने आने वाले लॉसेस को दिमाग में रखो और प्रॉफिट को भूल भी जाओ, कोई आफत नहीं है। तो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो हो ही जाएगा ना, लेकिन प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन जो होने वाले लॉसेस हैं उनका ध्यान आज से रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रूडेंस। मैं नाम रिपीट करता हूँ, लॉ ऑफ प्रूडेंस, समझदारी का सिद्धांत एक तरह से। तो उसको ये आता है अंडर कंजर्वेटिज्म, बी कंजर्वेटिव, आगे का सोच के चलो, थोड़ा पैसा बचा के चलो, बी कंजर्वेटिव, दिस इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, द आंसर इज ई। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड रिमेन सेम। देखो इंग्लिश में ही सारे आंसर छुपे हैं अकाउंटिंग के,
मेरे कई बच्चे बोलते हैं हिंदी मीडियम बना दो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को सब चीज़ें आउटसोर्स करनी पड़ती हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है हिंदी मीडियम का बंदा ढूंढने के लिए। ढूंढ पाऊंगा तो पक्का करवाऊंगा पक्का। शुड रिमेन सेम, हमें एक जैसा चलना चाहिए हमेशा, हमारा बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस एक जैसी होनी चाहिए। इस तरह अकाउंटिंग की प्रैक्टिस भी एक जैसी चलनी चाहिए, अंडर विच कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो काम जिस तरह से करते हो उसी तरह से उसको हमेशा करते रहो, दैट इज बिकमिंग कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। एन इंक स्टैंड हैज़ बिन परचेज, इंक स्टैंड मालूम है ना क्या होता है, जैसे पेन स्टैंड मोबाइल स्टैंड होता है, बाय ए फर्म फॉर ए नॉमिनल अकाउंट दैट इज लास्ट फॉर 4 ईयर्स, इट शुड बी क्लासिफाइड एज फिक्स एसेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब आपने कहा छोटा सा स्टैंड तो है 15-20 रुपये का, इसको क्या लॉन्ग टर्म के लिए मानना, किस कंसेप्ट में चलेंगे, इसको हम फिक्स एसेट क्यों माने? फिक्स एसेट इसलिए क्योंकि 1 साल से ऊपर है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, उसकी एंट्री दिखाना। बहुत छोटी सी चीज़ है ना, पेन स्टैंड मोबाइल का स्टैंड, क्या है, छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसका मतलब इसकी रेलेवेंस है। रेलेवेंस का मतलब होता है इंग्लिश में मेटीरियलिटी, इट इज़ ए मेटीरियल स्टेटमेंट। कभी सुनोगे ना किसी कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह को तो वो क्या बोलते हैं, इट इज़ इट अ मेटीरियल स्टेटमेंट, मेटीरियल स्टेटमेंट, मेटीरियलिटी है तो इसकी रेलेवेंस है। मैं फिर बोल रहा हूँ उस वाली वीडियो को ज़रूर देखना, आपको हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। व्हेन अ मशीनरी इज परचेज फॉर कैश, आपने क्या खरीदा, मशीनरी कैश, द कैश बैलेंस इज रिड्यूस टू द एक्सटेंट द अमाउंट ऑफ मशीनरी एज एन एसेट इज रिकॉर्डेड, दिस इज डन टू फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एसेट आई, एसेट चली गई, कैश गया, मशीनरी आ गई, डेबिट हुआ, क्रेडिट भी हुआ, तो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ना इसमें टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ना वो रिमेन सेम की बात कर रहा है, ना रेलेवेंसी की बात कर रहा है, ना वो बचाने की बात कर रहा है कुछ पैसे फ्यूचर के लिए, वो बात कर रहा है मशीनरी खरीदी कैश चला गया, दोनों में इंपैक्ट बताओ क्या हुआ, एक डेबिट एक क्रेडिट। रूल्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमिन, अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब सेल होती है या प्रॉफिट होता है, तो क्वेश्चन इज आंसर इज जब सेल होती है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए, उसका नाम होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसके दो नाम होते हैं, या तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या उसका नाम दूसरा होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में सब नाम नहीं आते, पढ़ाते टाइम आपको समझ आना चाहिए। तो इसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, या फिर इसका नाम होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि रेवेन्यू कब रियलाइज करें हम। दैट अर्निंग प्रोसेस शुड बी इधर कंप्लीट और नियर कंप्लीशन अंडर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का तो मतलब ही नहीं है, वो तो कॉस्ट की बात होती है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसमें कहीं लिंक होते नहीं। द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज टू रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, दिस पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डेट वाइज हमें सारी ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रखना है ताकि उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती चली जाए। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बोलता हूँ, मैं कोई इनडेप्थ नहीं घुसना, ताकि उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती जाए। आज आप डाटा डालो कि 15 अप्रैल 2017 को आपने कौन सी डीलिंग डीलिंग की थी, एंट्री करी, आगे डाटा, तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। तो ये कहते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट इज देयर विच हेल्प यू टू हैव ऑल द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड डेट वाइज, डू नॉट लीव एनी डेट। इसीलिए जब आपकी जर्नल एंट्री आप बनाते हो और आप जर्नल एंट्री में डेट नहीं डालते तो टीचर आपके नंबर काटता था स्कूल में। क्यों काटते हैं, क्योंकि वो डेट ही तो है जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग की लाइफ में। प्रॉफिट इज लाइबिलिटी फॉर ए फर्म एंड लॉस इज एन एसेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, द आंसर इज सिंपल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमारे पास हमारा कुछ नहीं होता, हम कौन है, हम फर्म है, हम फर्म है, हम कंपनी है, हमारे पास अपना कुछ नहीं होता, हमें तो ओनर ने पैसे दिए, हमारी लाइबिलिटी बन गई। अब प्रॉफिट होगा तो हमें उसको देना है, तो प्रॉफिट हमारी लाइबिलिटी होती है। लेकिन लॉस इज समथिंग वॉट वी ओन, लॉस को हम ओन करते हैं, वो हमारा है, तो लॉस कंपनी का होता है, लेकिन प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को देना होता है। अंडर विच कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो बोलता है कि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। इसमें देखो डुअल एस्पेक्ट दिख रहा है ना, एक तरफ पूरी एसेट है, एक तरफ टोटल लाइबिलिटीज है, एसेट पूरी टोटल लाइबिलिटीज, तो एक डेबिट एक क्रेडिट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आराम से पढ़ोगे तो जल्दी समझ आ जाएंगी। और फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ये डाउनलोड करना है बुक अपने पास, मतलब PDF डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको ऐप में पढ़ना पड़ेगा। और 100 रुपये की बुक है, आप ले लो यार, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, सिर्फ लिंक नीचे गिवन है, 100 रुपये की बुक है, डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी प्राइस डिस्काउंटेड है, बाद में बढ़ जाएगा। अंडर विच कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग द कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर शोन एज फुट नोट। अब देखो, हमें ना चाहे लाइबिलिटी है या नहीं है, एसेट है या नहीं है, आपको दिखानी पड़ती है। जब दिखाने की बात होती है तो वी हैव टू वी से ऑलवेज डिस्क्लोज डिस्क्लोज वट एवर यू हैव। लाइक CBI इंस्पेक्शन बैठ गई है, दिखाओ क्या क्या है आपके घर के अंदर। तो डिस्क्लोज कहाँ से आएगा? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से, कि आपको अपने सारे वाउचर्स, आपको अपने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, जब भी डिमांड किए जाएंगे आपको दिखाने पड़ेंगे। इसी तरह से आपकी लाइबिलिटी चाहे एग्जिस्टिंग है चाहे कंटिंजेंट है, वो आपको दिखानी पड़ेगी, उसको अंडर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अ बिजनेस फर्म क्रिएट्स प्रोविजंस अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस। अगर बारिश होने वाली है तो छाता लेके जाओगे ना, प्रोविजन। अगर डाउट है ना, एक वीडियो सर्च करना, मेरी कुछ वीडियो मेरी फनी बना रखी है, व्हाट इज प्रोविजन नितिन गोयल, ऐसे लिखना, व्हाट इज प्रोविजन नितिन गोयल। तो मैं ऐसे छाते के ऐसे साइन करता हुआ दिखूंगा आपको, कि छाता पकड़ रखा है जैसे मैंने एक, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने बोला इसका आंसर है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो आपके बहुत सारे नाम आएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब आते हैं कंजर्वेटिज्म के कारण। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन बाय बिजनेस फर्म कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कि जो भी कम होगा उस पे। यहाँ पे इसका आंसर गलत गिवन है, इसके पांच ऑप्शन है, पांचों के पांचों गलत है। इसके अंदर आंसर आना चाहिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसका आपको दिखाता हूँ, इसका नाम पीछे गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मटेरियलिटी, ये रहा, एक्चुअली ये नाम होना चाहिए उस वाले का आंसर, कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका आंसर ये गलत गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर गलत है, तो इसका आंसर होना चाहिए कॉस्ट प्रिंसिपल। क्योंकि कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि मार्केट प्राइस या कॉस्ट जो भी लो होगा उस पर आपको अपना बिजनेस के फर्म के सारे स्टॉक को दिखाना पड़ेगा, आप किसी और चीज़ पे नहीं दिखा सकते हो, तो कंजर्वेटिज्म पे वो नहीं चलता, इट गोज विद द कॉस्ट प्रिंसिपल। तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। 21 पे आते हैं, द कंसेप्ट दैट रिकॉग्नाइजेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव द कैश। पैसा मिल गया और पैसा मिलना बाकी है, मेरा अधिकार है, मुझे मिलेगा, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एक्रूवल। एक्रूवल मतलब ही क्या होता है, ड्यू हो गया, मैंने आपको सामान बेचा, आपने कहा ठीक है पैसे बाद में ले लेना, तो ड्यू तो हो गया ना, लिखूँ नहीं लिखूँ बुक के अंदर, तो आई विल राइट इन द बुक्स, तो दैट विल बिकम एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉट कैश कॉन्सेप्ट। अगर सिर्फ बोलता कैश मिला है सिर्फ, मैं उस पर काम करूँगा, तो कैश कॉन्सेप्ट, लेकिन बोलता उधारी भी लिखूंगा तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट, तो आंसर इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के सारे MCQs, इसको आप अच्छे से कीजिए। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी मेहनत के ऊपर थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हमें भी हेल्प करनी चाहिए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों के संग फॉरवर्ड भी करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट डाल दिया करो, और प्लीज़ आप ही के लिए बुक बनाई हुई है जिसको बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, और अगर मार्केट में बेचते हैं अगर इस बुक को हम, तो 500 से 600 रुपये की बुक बिकती है PDF, मतलब प्रॉपर बुक फॉर्म में। आप ही के लिए पूरी मेहनत करके ई कॉपी बनाई गई है, और 100 रुपये में और 120-130 रुपये के आसपास की बुक है, आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और बुक्स भी बना पाऊँ आप लोगों के लिए रिजनेबल प्राइसेस के ऊपर। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।